हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा टू कलर का डिजाइन पैटर्न। इसे आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, शॉल स्टॉल मफलर में, कैप वगैरह में आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये जो है टोटल 22 फंदे में हमने बनाया हुआ है। 5 के मल्टीपल ये डिजाइन पैटर्न के लिए फंदे पड़ेंगे और 2 फंदे आपको साइड के एड स्टिच के लिए लेने हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है राइट साइड से डिजाइन पैटर्न स्टार्ट होगा, रॉन्ग साइड लेकर 6 रो तक ये डिजाइन पैटर्न बनेगा। तो चलिए आपको डिजाइन पैटर्न बताते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आपने फर्स्ट बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन की घंटी, उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, ये जो डिजाइन है इसे अंत तक देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा है। तो इसे जो है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए ये डिजाइन स्टार्ट करते हैं। देखिए, बॉर्डर बनाने के बाद कोई भी बॉर्डर बना लीजिए, इसके बाद यहाँ पर सेकंड कलर को आप ऐड कर लीजिए। सेकंड कलर को ऐड कर लेंगे, इसके बाद यहाँ से डिजाइन पैटर्न स्टार्ट होगा। तो देखिए, राइट साइड रो 1 है, यहाँ पर हमने जो है सेकेंड कलर को ऐड कर लिया है। यहाँ पर सेकेंड कलर को ऐड करने के बाद आप जो है फर्स्ट रो देखिए, यहाँ पर वैसे तो हम स्लिप करते हैं लेकिन यहाँ पर कलर चेंज हुआ है तो इसलिए हमें इसे बुनना ज़रूरी है। इसके बाद आप इस तरह फर्स्ट रो को सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, रो 1 राइट साइड है, इसे सीधा बुनते हुए इस रो को आप कंप्लीट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट रो राइट साइड कंप्लीट हो गया। अब देखिए, रॉन्ग साइड सेकंड रो है, इसे भी आपको ऐसे उल्टा बुनते हुए, देखिए फर्स्ट फंदे को हमने स्लिप किया और पूरी रो को इस तरह उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये दूसरी सिलाई है और उल्टी साइड है। तो देखिए, इस तरह इसे हम उल्टा बुनते हुए पूरा कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये दूसरी सिलाई वाइट कलर से हमने कंप्लीट कर ली है, लेकिन अब यहाँ पर हम जो है देखिए, जो मैरून कलर है ना, इससे अब हम 4 रो हमें नीटिंग करना है। देखिए, ये फर्स्ट फंदे स्लिप करेंगे और पूरी रो को इस तरह सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह इस रो को ऐसे कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, ये तीसरी सिलाई राइट साइड कंप्लीट हो गई। अब देखिए, ये 4 रो है, ये चौथी सिलाई है और रॉन्ग साइड है, इसे भी हम इस तरह उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। वैसे तो फ्रेंड्स ये 6 रो की डिजाइन है, लेकिन जब फर्स्ट डिजाइन बनाते हैं ना तो ये 8 रो इसमें लगता है। तो देखिए, हमारा ये 4 रो ऐसे रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए, ये 5th रो है, राइट साइड है। अब इसको हम जो है पूरी रो को इसे भी हम ऐसे सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये 5th रो है, राइट साइड, ऐसे सीधा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रॉन्ग साइड 6th रो है, इसे भी हम ऐसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। सिक्स रो रॉन्ग साइड को ऐसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए, हमने 2 सिलाइयाँ वाइट से और 4 सिलाइयाँ मैरून कलर से बुनाई किया है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, वाइट कलर से डिजाइन पैटर्न कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये 7th रो है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंदे को बुन लेंगे। ये साइड का एड स्टिच है तो इसे हमें ऐसे बुन लेना है। इसके बाद 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1, 2। देखिए, 5 के मल्टीपल ये डिजाइन पैटर्न बनना है तो 1 साइड का एड स्टिच है, 2 फंदे यहाँ सीधा बुन लिया है, अभी ये 3 फंदे बाद में बुनेंगे। तो देखिए, पहले ये जो हमारा ये फर्स्ट वाला है ना, यहाँ से 1 लूप लेंगे, ये देख रहे हैं ना, यहाँ से 1 लूप लेंगे ऐसे वाइट कलर से। देखिए, 1, 2,
देखिए हमें फाइव फाइव में लेना है। देखिए वन टू हुआ और ये थ्री यहाँ पर हमें थ्री लेना है तो इसे थोड़ा सा लूप को ऐसे बराबर में कर लेंगे ऐसे। तो देखिए हमारा वन टू और ये थ्री हो गया है। अब हम देखिए यहाँ पर वन टू थ्री, अब इसमें फोर में हम लेंगे ऐसे ये फोर और देखिए ये फाइव, फाइव लूप्स हमें ले लेने हैं, ठीक ना। तो फ्रेंड्स देखिए फाइव लूप्स लिए हैं, अब ये फाइव लूप्स हम ले लेंगे राइट सिलाई पे, ठीक। हमें इस रो को कंप्लीट करना है तो देखिए अब क्या करना है, ये फाइव लूप्स हैं और वन फंदा, फाइव लूप्स वन फंदा को एक साथ ऐसे बुनेंगे। देखिए ऐसे यहाँ पर फाइव लूप्स वन फंदा है, ऐसे एक साथ बुनेंगे। अब इसके बाद देखिए ये जो है मैरून का वन फंदा लिए थे ना यहाँ पर, इसे हम स्किप करेंगे और केवल जो वाइट का है फाइव लूप्स उसे एक साथ ऐसे बुन लेंगे। तो देखिए हमारे ये टू फंदे हो गए, अब इसको हम ऐसे स्लिप कर देंगे। अब देखिए टू फंदे हम अगेन बुनेंगे और फिर हमें ऐसे ही फाइव लूप्स लेने हैं, ठीक। तो देखिए अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो फ्रेंड देखिए ये वन डिजाइन कंप्लीट हो गया है, अब हम सेकंड डिजाइन बनाएंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमने वन साइड का एड स्टिच है, टू फंदा बुना, फिर इसके बाद लूप लिया और वन का टू हो गया है, ये रॉन्ग साइड में टू का वन हो जाएगा और ये टू फंदा। तो फाइव फंदे में हमारे ये सिक्स फंदे बने हैं, ठीक। अब यही पैटर्न आपको रिपीट करना है। तो देखिए टू फंदा पहले हम बुनाई करेंगे, वन टू, टू फंदा बुनाई करने के बाद अब देखिए ये जो दिख रहा है ना यहाँ, तो यहाँ से हमें ये वन लूप लेना है इसके नीचे से। देखिए इस तरह आप वन लूप ले लिए, अब इसके बाद दूसरे फंदे यहाँ से ये दूसरा लूप लेंगे। देखिए ये दूसरा लूप हो गया आपका और ये देखिए तीसरे फंदे के नीचे से तीसरा लूप लेंगे। देखिए तीसरा हो गया, देखिए वन टू थ्री हो गया। अब ये फोर फंदा है ना, इसके नीचे आइए, यहाँ से आप ये फोर लूप्स ले लीजिए। देखिए अब ये फाइव है ना, तो फाइव में यहाँ से फाइव लूप ले लीजिए सभी फंदे के नीचे से, जैसे फाइव फंदे हैं, फाइव फंदे का डिजाइन है, तो आप फाइव फंदे ऐसे लूप्स ले लीजिए। देखिए वन टू थ्री फोर और ये फाइव। अब ये पांचों फंदे हैं और वन फंदा ये ले करके इसे हम एक साथ बुनेंगे। देखिए ऐसे फाइव का वन करेंगे, फिर इसके बाद ये जो फाइव फंदे केवल है ना, तो यहाँ पर ये मैरून हम ऐसे छोड़ देंगे और फ्रंट साइड से देखिए यहाँ पर इसे बुन लेंगे और इसके बाद स्लिप कर देंगे मैरून को भी और फाइव लूप्स को भी। तो देखिए कितना खूबसूरत सा ये डिजाइन बनकर आया है। अब यहाँ पर टू हो गए हैं तो ये रॉन्ग साइड में फंदे कम हो जाएंगे, इसके बाद ये टू फंदे कंप्लीट। तो देखिए दो डिजाइन बन गया। अब इसी तरह आपको रिपीट करते जाना है। अब डिजाइन थर्ड डिजाइन पैटर्न स्टार्ट करते हैं। देखिए वन टू, टू फंदे बुनने के बाद अब देखिए इसके नीचे ऐसे ये देखिए है ना, इस यहाँ से हमें लूप लेना है, तो यहाँ से हम फर्स्ट लूप लेंगे। देखिए इस तरह लूप को थोड़ा सा ऐसे बड़ा रखिएगा, फिर इसके बाद
ये सेकंड लूप लेंगे यहाँ से, देखिए ये सेकंड लूप। अब ये थर्ड, ये थ्री फंदों के नीचे से लेना है लूप, तो यहाँ ये थर्ड लूप्स लेना है हमें, देखिए इस तरह। फिर इसके बाद सॉरी, देखिए इसका ये लूप यहाँ पर आएगा इसके नीचे से ऐसे, तो इस तरह ये थर्ड लूप हो गया। अब देखिए ये फोर लूप इसके नीचे से आएगा, अब ये फोर लूप हो गया। अब देखिए ये फाइव इसके नीचे से आएगा और ये फाइव लूप हो गया, तो ये वन टू थ्री फोर फाइव, ये फाइव लूप हो गए ना। अब देखिए ये फाइव लूप और वन फंदा, ये फंदा, इन पांचों को एक साथ ऐसे बुनेंगे, देखिए फाइव फंदों को एक साथ बुना। फिर इसके बाद इसे, इस मैरून जो फंदा था ना, इसे इधर करके अब ये फ्रंट साइड से केवल वाइट का हम ऐसे बुनेंगे, देखिए इस तरह, और इसे स्किप कर देंगे। इसके बाद टू फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे, तो ये थर्ड डिज़ाइन कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए फोर डिज़ाइन, तो टू फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर इसके बाद इसके नीचे से यहाँ से देखिए वन लूप लेंगे, सॉरी यहाँ से हम वन लूप ले लेंगे, देखिए। फिर इस सिलाई की हेल्प से आप इस पर आप ले लेंगे, फिर आप सेकंड लूप यहाँ से लेंगे, देखिए टू हो गया। इसके बाद ये देखिए तीसरा फंदा है ना, इसके नीचे से यहाँ से हम तीसरा लूप लेंगे, ये देखिए ये वाला चौथा फंदा है, ध्यान से देखिएगा ये चौथा फंदा है, इसके नीचे से हम लूप लेंगे, और देखिए ये पांचवा फंदा है, तो इसके नीचे से हम लूप ले लेंगे। तो इसके बाद इसे हम राइट सिलाई पर ऐसे सभी फंदों को ले लेंगे, और फिर देखिए फाइव फंदे हैं, वन फंदा मैरून, तो इसे हम ऐसे फाइव, इसे हम ऐसे बुनेंगे, फिर इसके बाद फ्रंट साइड से और ऐसे कर लेंगे, फिर इसे स्लिप कर देंगे और टू फंदा सीधा बुनेंगे और वन फंदा साइड गाइड स्टिच। तो देखिए डिजाइन पैटर्न का ये सेवंथ रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब इसके बाद रॉन्ग साइड ध्यान से देखिएगा, रॉन्ग साइड सेकंड रो है, सॉरी एट रो है, देखिए फर्स्ट फंदे स्लिप करेंगे और पूरी रो को ऐसे, ये जो टू फंदे थे ना हमारे, इन्हें टू का वन कर देंगे ऐसे, जो वन फंदा बढ़ गया था, तो देखिए वन टू थ्री फोर, इसके बाद देखिए ये टू फंदे, ये जो डिज़ाइन का टू फंदा हो गया था, इसे हम टू का वन करेंगे, फिर वन टू थ्री फोर, फिर देखिए ये टू का वन करेंगे, फिर अगेन वन टू थ्री फोर, फिर देखिए ये वन टू, टू का वन करेंगे। लास्ट में हमारे टू फंदे हैं, उन्हें उल्टा बुनेंगे और ये साइड गाइड स्टिच है। तो फ्रेंड्स हमारा ये एट रो कंप्लीट हो गया है। तो देखिए जो हमने टू रो वाइट कलर का बुना था यहाँ पर ना, अब वही हमारा टू रो कंप्लीट हो गया है। तो अब केवल फोर रो आपको क्रीम कलर से बना, मैरून कलर से बनाना है, फिर इसके बाद इस डिज़ाइन पैटर्न को स्टार्ट करना है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स इसी तरह ये डिज़ाइन पैटर्न बनता जाएगा, वन से लेके सिक्स रो आप केवल रिपीट करते जाएंगे। तो ये डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत सा बन कर आया है, तो इसे आप बनाइए, आपको डिज़ाइन अच्छी लगी हो
मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।